सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त कोरोना वायरस जैसी महामारी चल रही है देश के अंदर, तो जो दूसरे स्टेट में लोग फंसे हुए हैं वो अपने घर आना चाहते हैं, तो कुछ समय पहले जो है वो अपने घर नहीं आ सकते थे, लेकिन अब सरकार ने अलाउंस कर दिया है कि जो भी बाहर स्टेट में लोग फंसे हैं और अपने स्टेट अपने गाँव आना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत से हमारे ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। सो फ्रेंड्स, जिनके पास स्मार्टफोन है वो खुद से अप्लाई कर सकते हैं, अपना जो है फॉर्म अप्लाई करके अपने घर जा सकते हैं बड़ी आसानी से। किसी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, घर वालों को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर कोई भी एक पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़ी आसानी से खुद से भी कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो अपने घर वालों को खबर कर दें कि वो किसी भी नज़दीकी जनसेवा केंद्र पे जाके जो है अपना फॉर्म फिलअप करवा लें। जो भी आपका फॉर्म होगा, जो भी आपकी जो है डिटेल्स होगी वो आप दे दें, जैसे आधार कार्ड या फ़ोटो, इस तरीके से आपको अपना प्रूफ देना है और अपने फॉर्म को अप्लाई कर लेना है। फिर कुछ दिनों बाद आपका जो है जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं वो आपको संपर्क कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फुल प्रोसेस आपको बताएंगे। सो ये प्रोसेस होगी हमारी सीएससी से कि सीएससी से कैसे आप जो है अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए, यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमने अपना सीएससी पोर्टल ओपन कर लिया है। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लो ताकि फ्यूचर में जो भी कोई नई वीडियो उसको हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। हम अपने चैनल पर हर रोज़ एक नई वीडियो अपडेट करते रहते हैं तो आप वहाँ से एक नई चीज़ें सीख सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो है डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे तो आपको सिंपली डिजिटल सेवा पोर्टल लिखना है या सीएससी लॉगिन लिखना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लिखोगे तो इस तरीके से आप आओगे होम डैशबोर्ड पे, तो आपको यहाँ पर फ्यूचर्स में आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको सेकंड नंबर वाले ऑप्शन पर व्यू पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको माइग्रेंट वर्कर्स रजिस्ट्रेशन का जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पर बताया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सीरियल वाइज नेम दिया गया है और स्टेट वाइज नाम यहाँ पर दिया गया है, यानी आप किस स्टेट में हो और जो है कैसे हो, तो कहाँ से आप जाना चाहते हो, किस स्टेट से जाना चाहते हो, सारा प्रोसेस आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में हैं और आप बिहार आना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उत्तर प्रदेश पे जाना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अप्लाई ई पास का ऑप्शन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर कैप्चा डाल के जनरेट करना होगा, उसके बाद में आपका जो भी फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स, अगर आप मान लीजिए गुजरात में फंसे हुए हो और आप उत्तर प्रदेश आना चाहते हो तो आपको सिंपली गुजरात पे क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप गुजरात पे क्लिक करोगे तो अब आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपसे जो है लॉगिन यूज़र और यूज़र नेम मांगा जा रहा है और आपका पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो ये अगर आप अभी यहाँ पर आओगे तो आपके पास नहीं होगा। उससे पहले यहाँ पर आपको डिटेल्स दी जा रही है किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो पढ़ना, इसके बारे में कुछ नॉलेज लेना और चाहते हो तो आप ले सकते हो, वरना सिंपली आपको आना है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन सिटीजन पर। सिंपली इस पर आने के बाद फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और पासवर्ड डालना है और फिर से पासवर्ड डालना है और कैप्चा डाल के आपको सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप पासवर्ड जो है 6 अंकों से लेके 8 अंकों तक का बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस फॉर्म को हम आपको फिलअप करके दिखाते हैं, तो आपको पूरी प्रोसेस हम समझा देते हैं। चलिए एक बार हम थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कुछ कारणों से यहाँ पे फॉर्म जो है डिटेल्स यहाँ पर नहीं ले रही है। जिस बंदे ने हमें डिटेल्स दिया है उसका नंबर सही नहीं है, वो नंबर गलत बता गया हमें।
इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो डिटेल्स मांगी जा रही है डाल के आपको सेव करना है। तो फिर आपके सामने एक जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका आ जाएगा। तो फिर आपको लॉगिन पर आ जाना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन पर आओगे तो आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से आपके सामने फॉर्म शो करेगा। तो आपको यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देना, जो कि यहाँ पर आपका अपना यूज़र होगा, मोबाइल नंबर आप सेव कर सकते हैं या ईमेल आईडी। उसके बाद में आपको यूज़र जो है मोबाइल नंबर आप अपना फिल करना, पासवर्ड जो भी बनाओगे वो डालना है और कैप्चा डालना है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पूरी डिटेल्स आपकी शो करेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैनुअल भी मिल जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं पूरी तरीके से। सो फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आप किसी भी जो है स्टेट से, अदर स्टेट से आते हैं, तो आप यहाँ पर उस स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको कंफर्म कर दें कि मान लीजिए आप जैसे भी हमने बताया था कि आप यूपी के हो और गुजरात में फंसे हुए हो, तो आपको गुजरात स्टेट से अप्लाई करना है। यानी जहाँ पे आप फंसे हो वही स्टेट से आपको अप्लाई करना है, ना कि जहाँ से आप हो वहाँ से। मान लीजिए आप हरियाणा से हो और आप जो है जम्मू एंड कश्मीर जाना चाहते हो, तो आपको हरियाणा पे जाके अप्लाई करना है और वहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स देनी है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के हो और आप छत्तीसगढ़ जाना चाहते हो, तो आपको जम्मू एंड कश्मीर पे आना है और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। सो फ्रेंड्स, आप देख पाओगे कि यहाँ पर 24 राज्यों की जो है लिंक दिए गए हैं, यानी लगभग सारे स्टेट आपको यहाँ पर शो करा दिए जा चुके हैं। यहाँ पर सारी लिंकें प्रोवाइड करा दी जा चुकी हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हो तो आप बड़ी आसानी से भर सकते हो इस फॉर्म को और जो है अपने घर वापस जा सकते हो। प्रवासी फॉर्म भर के आप अपने घर वापस जा सकते हो, अपने परिवार वालों से मिल सकते हो। सो फ्रेंड्स, अगर अभी भी कहीं पर आप फंसे हुए और आपको नहीं पता है, तो आप जो है इस तरह लिंक ओपन करके आप अपनी डिटेल्स भर सकते हो। डिटेल्स में कोई ख़ास नहीं है। यहाँ पर अगर हमारे पास कोई फॉर्म होता तो अभी हम आपको लाइव प्रोसेस करके बताते सारा कुछ। हालांकि एक फॉर्म था, इसलिए हमने सोचा इस वीडियो पे इसके बारे में हम शूट कर दे वीडियो, बट वो अभी हो नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इतने पर हमें छोड़ना पड़ेगा। सो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको फॉर्म फिलअप करने में कोई भी प्रॉब्लम आए, आप कहीं किसी भी स्टेट से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, आप हमें कॉल या मैसेज कर देना, आपकी हम फुल हेल्प करेंगे। क्योंकि इस वक्त का जो माहौल है, जो समय है, उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है तकलीफें झेल रहे हैं लोग अपने घर जाने के लिए। तो अगर आप नहीं कर पाते हो खुद से, तो आप हमें कॉल कर लेना, एक बार मैसेज कर लेना। आपको कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प की जाएगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपका काम किया जाएगा। आपको सिर्फ एक बार हमें कॉल कर लेना है या मैसेज कर लेना है कि आप किस स्टेट से हैं और किस स्टेट में जाना चाहते हैं, कहाँ पर जाना चाहते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको बता देनी है। तो हम आपका काम ज़रूर करेंगे, इंशाल्लाह आपकी फुल हेल्प करेंगे। इस वक्त जो भी हमारे टीम मेंबर हैं वो भी आपकी फुल हेल्प करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है भरने में, तो आप ज़रूर कॉन्टेक्ट करिएगा। वीडियो जो है नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दो तीन लोगों का आपको नंबर मिल जाएगा। हमारे टीम के जो लोग हैं, किसी से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी फुल हेल्प करेंगे। ये वीडियो ओनली इसीलिए थी ताकि हम लोग आप लोगों को बता सके, क्योंकि ये वीडियो हम इसलिए बता रहे हैं इसमें कि कई सारे लोग हमारे पास आ रहे हैं जो हमारे गाँव के हैं, आस पास के हैं, वो ये बोल रहे हैं कि भैया किसी तरीके से आप जो है हमारा जो बच्चा फंसा हुआ है बाहर, उसका कोई भी तरीके से आप जो है ऑनलाइन करवा के किसी भी तरीके से बुलवा लीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत रो रहे हैं वहाँ पर। तो हमने सोचा कि बहुत से लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं होता है, अगर खुद से करें तो वो कर सकते हैं बड़ी इजीली। मोबाइल होता है सबके पास, स्मार्टफोन होता है, ख़ासकर उन लोगों के पास जो बाहर वर्क करते हैं, उन लोगों के पास भी होता है, तो वो चाहें तो कर सकते हैं। बट अगर नहीं कर पाते हैं तो आप हमें कॉल कर लेना, आपकी फुल हेल्प की जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। तो ये वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। जो भी देख रहे हैं हमारी इस वीडियो को, प्लीज़ यार दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दो इस वीडियो को, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी हमारे देश के जो लोग हैं, बहुत सारे स्टेट के अंदर फंसे हुए हैं और उनको आप लोगों के हेल्प की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप थोड़ी सी हेल्प कर दोगे, एक वीडियो को शेयर कर दोगे, तो ये नॉलेज दूसरों तक जाएगी और दूसरे बंदे अगर इस वीडियो को शेयर करते हैं और उन तक पहुँच जाती है, तो वो हमसे कॉन्टेक्ट ज़रूर करेंगे और हम उनकी मदद कर पाएंगे। क्योंकि हम मदद तभी कर पाएंगे जब हमें पता होगा। सो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।